झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है, हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे, पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से काम करेंगे। दरअसल 18 अगस्त को चंपाई ने एक चिट्ठी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा लिए जाने के तरीके को आत्मसम्मान पर चोट लगना बताया था। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोले सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया।